नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में चलने वाली रेल यात्रा को लेकर। भारत और नेपाल के बीच में पिछले कुछ दिनों से संबंध भले ही खराब रहे हों, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में मधुरता देखने को मिल रही है। पिछले दिनों कई ऐसे मौके आए जब भारत और नेपाल की सेना की तरफ से एक तरह से कहने की राजनीतिक भी बयान सामने आते रहे, खासकर बरसात के समय में जब बारिश का पानी जो है नेपाल से सीधा जब बिहार आता रहा। इन दौरान जो है कई तरह के बयानबाजियां सामने आई। पिछले दिनों इन दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण को लेकर एक बड़ा मसला सामने आया था। हालांकि समय के साथ यह तनाव कम होता चला गया, अब इन दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर बनते जा रहे हैं, जिसकी एक वानगी हमने पिछले दिनों देखा, जिसमें भारत और नेपाल के बीच में रेलवे परिचालन की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस रेल परियोजना की शुरुआत की। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार से नेपाल जाना बहुत ही आसान होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच में करीब 8 साल के बाद एक बार फिर से रेल सेवा की शुरुआत की गई है। इस रेल सेवा से बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से चलकर नेपाल के जनकपुर के कुर्था तक जाएगी। आपको बता दें कि इन दोनों स्थानों के बीच में 1409 किलोमीटर की दूरी है। इस रेल मार्ग को लेकर यह भी बताया गया है कि इसमें 127 छोटी और 15 बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में अगर रेलवे परियोजना की शुरुआत होती है तो दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध मधुर तो होंगे ही, साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टि से भी यह एक कारगर साबित होगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक पहुंचने वाली ट्रेन की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस ट्रेन में एक बार में 1100 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इस दौरान यात्रियों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, यानी कि अगर आप बिहार से नेपाल जा रहे हैं तो आपको अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूर रखना होगा, नहीं तो आपको यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि पश्चिम चंपारण के रक्सौल से लेकर काठमांडू तक रेल लाइन के निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 2 चरणों के सर्वे का काम जो है पूरा हो गया है। अब 3रे चरण के सर्वे का कार्य जो है वो भी चल रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण में रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने की योजना पर काम चल रही है, जिसमें कि 13 स्थानों का जिक्र किया गया है। इसमें रक्सौल, बीरगंज, बगही, पिपरा, घुमरबाना, काकड़ी, चांदपुर, घियाल, खिसरपुर, सिसनेरी, सथिकेल और काठमांडू है। अगर आप इस रूट से सड़क मार्ग से तय करेंगे तो आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। वहीं अगर आप दूरी जो है ट्रेन से तय करेंगे तो आपको मात्र 136 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। हालांकि रेलवे की इस परियोजना में काम चल रहा है। अब इस परियोजना को लेकर यह भी बताया गया है कि इसमें 32 रोड ओवरब्रिज के साथ साथ 39 छोटी बड़ी सुरंगें, इसके साथ साथ 41 बड़े रेल पुल, 53 अंडरपास, 259 छोटी पुल का निर्माण होना है। अगर हम पुल, पुलिया और सुरंग को देख लें तो इसकी कुल लंबाई 41.87 किलोमीटर होगी। वहीं अगर हम लागत की बात कर लें तो इसको बनाने में कुल 16,550 करोड़ रुपये लगने की पूरी संभावना जताई गई है। अब कहा जा रहा है कि अगर बिहार और नेपाल के बीच में अगर रेल सेवा की शुरुआत हो जाती है तो यात्रियों का सफ़र आरामदायक हो जाएगा। वहीं अगर हम वर्तमान के किराए की बात कर लें तो रक्सौल से काठमांडू तक का जो सड़क मार्ग का सफ़र है वो 600 रुपये में पूरा होता है। वहीं भारतीय मुद्रा के अनुसार जो है ये पैसे 600 रुपये ले जाएंगे। वहीं अगर हम रेलवे की बात कर लें तो रेलवे से मात्र 200 रुपये में आप जो है बिहार से काठमांडू पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप सड़क मार्ग की बात करें तो इसमें समय जो है 6 घंटे लगेंगे वहाँ नेपाल पहुँचने में। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो मात्र 2.5 घंटे में आप जो है आसानी से बिहार से नेपाल पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में रेलवे का सफ़र एक तो भारत में पहले ही कहा जाता था कि आरामदायक और कम पैसे का सफ़र है, ये सफ़र जो है बिहार और नेपाल के मामले में भी लागू होता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर आप नेपाल जाने की योजना बना रहे हैं तो यह रेलवे परियोजना जो है आपके लिए काफ़ी मददगार होने वाली है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।